मिशन 60 के बाद तेजस्वी यादव अब क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के डिप्टी सीएम अब बिहार के अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। यही वजह है कि अस्पताल से गायब डॉक्टरों पर लगाम लगाने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए, उनकी दिनचर्या नोट करने के लिए, वो अस्पताल में कितने बजे आते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं या नहीं, यह सब देखने के लिए उनके जेब में अब GPS डालने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने एक नया फरमान दिया है, बिहार के कई जिलों में यह व्यवस्था लागू कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। बिहार के डॉक्टर GPS की निगरानी में रहेंगे, वो सीधे तौर पे अस्पताल में मौजूद रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र वाले इलाके में मौजूद रहेंगे। इससे ये होगा कि बिहार में जितने भी डॉक्टर हैं जिनके कंधों पर मजबूत जिम्मेवारी है, वो अपने कर्तव्य स्थान से बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए तेजस्वी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मिशन 60 के तहत बिहार के अस्पतालों का जो कायाकल्प है वो बदला गया, और अब मिशन जो क्वालिटी है उसके तहत यह बड़ा फैसला लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है, हमारे सहयोगी तेज प्रताप देंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, जो बिहार के डिप्टी सीएम है, जिनके कंधों पर कई जिम्मेवारी है, और सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो बिहार का स्वास्थ्य महकमा है, और उसे दुरुस्त करने के लिए तेजस्वी रात में अस्पताल निकल जाते हैं, औचक निरीक्षण तक करते हैं, डॉक्टरों को सस्पेंड कर देते हैं। 5 साल से ज़्यादा जो डॉक्टर अपने काम पे नहीं थे, उन डॉक्टरों के ऊपर बड़ा एक्शन तेजस्वी यादव ने लिया था। कई जगह उनके फैसले की चर्चा भी होती है तो कई जगह आलोचना भी, लेकिन अब इन सब से इतर तेजस्वी यादव ने एक और फैसला लिया है जिससे मुश्किलें उन डॉक्टरों की बढ़ने वाली है जो अपने अस्पताल में मौजूद नहीं रहते हैं, मरीजों का इलाज नहीं करते हैं, अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर अब लगाम लगाने के लिए उनके ऊपर तेजस्वी नज़र रखेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव का नया फरमान, क्या कुछ अपडेट है, हमारे जो सहयोगी हैं तेज प्रताप, उनसे समझते हैं। गणेश, आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में हैं। जब से वो स्वास्थ्य महकमे का जिम्मेवारी लिए हैं तब से वो लगातार कोई ना कोई नया फैसला लेते रहते हैं, लगातार समीक्षा बैठक करते रहते हैं, खुद देर रात तक अस्पतालों में पहुंच जाते हैं गणेश। इसके बाद अब उन्होंने उन डॉक्टरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है जो अस्पताल आते हैं लेकिन समय से अस्पताल नहीं आते हैं या फिर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य के 12 जिलों के डॉक्टरों को एक निर्देश दिया है कि आप अगर अस्पताल आते हैं तो कितने बजे आते हैं और अस्पताल से कितने बजे जाते हैं, आपकी सारी जानकारी आपके मोबाइल के GPS के जरिए ट्रैक की जाएगी। इसको लेकर एक ऐप भी तैयार किया गया है। साथ ही साथ आपको जब अस्पताल आते हैं और जब अस्पताल से जाते हैं तो सेल्फी डालना होगा, सेल्फी में टाइम मेंशन करना होगा कि आपने कितने बजे अस्पताल में एंट्री लिया है और कितने बजे एग्जिट लिया है, उसकी भी जानकारी आपको सेल्फी में टाइमिंग के जरिए अपलोड करनी होगी। इन जो अगर हम बात करें किन किन जिलों की डॉक्टरों को ये सूची दिया है तो हम आपको बता दें गणेश, इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली का नाम शामिल है गणेश। तो ये आदेश जो है ये लिया गया है कि आए दिन आपको देखने को मिलता होगा कि भाई अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते हैं, मरीज परेशान रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तेजस्वी देर रात खुद एक अपना आवास पर एक सम्मेलन लगाते हैं जिसमें बिहार की जनता से मिलते हैं, फरियादियों से मिलते हैं, उनके शिकायतें सुनते हैं। आपने भी कवर किया होगा गणेश, आपने देखा होगा भली भांति। तो बस उसी दौरान ये शिकायत मिली थी तेजस्वी यादव को कि सर हम अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर गायब रहते हैं और देर रात जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है वो आते ही नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव ने कल स्वास्थ्य विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह फरमान जारी किया है कि अगर आप डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, आपकी देर रात ड्यूटी लगी है तो आप अस्पताल में मौजूद रहेंगे, ये नहीं कि आप अस्पताल में रहें ही ना और मरीजों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़े जो कि अब से पहले के दिनों में होता रहा है। तो तेजस्वी यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है जिससे डॉक्टरों की सामत आन पड़ी है। अगर इस तरह की लापरवाही बरत देंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी नौकरी भी जा सके। बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री का एक और फरमान, और इससे उन डॉक्टरों के ऊपर लगाम लगेगी जो ड्यूटी के नाम पर जो बंक मारते थे, जो अस्पताल में मरीजों के इलाज के जगह गायब रहते थे, अब उनको सेल्फी लेकर अपडेट करना होगा। तेजस्वी यादव का जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर इजाद किया है जिसमें डॉक्टर अपनी उपस्थिति को लेकर यह दर्ज कराएंगे
और बताएंगे, जगह दिखाएंगे तस्वीरों के साथ कि वो कहाँ मौजूद हैं। तो एक बड़ा फैसला है बिहार के स्वास्थ्य महकमे को दुरुस्त करने को लेकर। देखना है इसका असर बिहार के स्वास्थ्य महकमे पर कितना पड़ता है और तेजस्वी यादव का यह फैसला कितना दूरगामी साबित होता है।